हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाहौरी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि देहरादून से अमृतसर जंक्शन के बीच में रोज़ चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ज़रूर दबाएँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लाहौरी एक्सप्रेस के बारे में। देहरादून से अमृतसर तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 14631। ये हर रोज़ चलती है। ये 460 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस 12 घंटे 25 मिनट में 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर करती है। स्लीपर के कोचिस किराया है देहरादून से अमृतसर तक का 270 रुपये। ये मैं आपको देहरादून से अमृतसर तक का बता रहा हूँ। और थर्ड एसी के कोचिस का किराया है 735 रुपये देहरादून से अमृतसर तक का पर पर्सन। इसमें डायनमिक फेयर भी जुड़ता है। देहरादून से ये चलती है करीब 7:05 पर हर रोज़। एक नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी जर्नी शुरू करती है शाम को 7:05 पे। उसके बाद ये हर्रा वाला में पहुंचती है 7:18 पे और 7:20 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये डोईवाला में पहुंचती है। डोईवाला में इसके पहुंचने का समय है 7:40 पे और 7:42 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये कांसरो में पहुंचती है। कांसरो में इसके पहुंचने का समय है 7:58 पर और 8 बजे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये हरिद्वार जंक्शन में रायवाला जंक्शन में पहुंचती है 8:29 पे और 8:31 पे 2 मिनट के बाद वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। हरिद्वार जंक्शन पे यह 9 बजे पहुंचती है और 9:30 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप और 50 किलोमीटर देहरादून से कवर कर लेती है। ज्वालापुर पे इसके पहुंचने का समय है करीब 9:36 पे और 9:38 पे वहाँ से ये ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये एथल में पहुँचती है। एथल में ये 1:53 पे पहुँचती है और 2 मिनट के बाद 1:55 पर वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये लक्सर जंक्शन में पहुँचती है करीब 10:10 पे रात को और 10:40 पे 30 मिनट के हॉल्ट के बाद वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर आधे घंटे का स्टॉप है। रुड़की में इसके पहुँचने का समय है 10:57 पे और 11:02 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन में पहुँचती है। सहारनपुर जंक्शन पर ये 12:05 पे पहुँचती है और 10 मिनट के बाद 12:15 पर वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 130 किलोमीटर देहरादून से कवर कर लेती है। यमुनानगर जगाधरी में इसके पहुँचने का समय 12:41 पर और 12:43 पर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है 2 मिनट के बाद। उसके बाद ये जगाधरी वर्कशॉप में पहुँचती है 12:54 पर और 12:56 पर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अम्बालाकैंड जंक्शन पर पहुँचती है। अम्बालाकैंड जंक्शन पर ये 1:45 पर पहुँचती है और 1:52 पर 7 मिनट के बाद वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 7 मिनट का स्टॉप पर 212 किलोमीटर देहरादून से कवर कर लेती है। राजपुरा जंक्शन पर इसके पहुँचने का समय है करीब 2:23 पर और 2:25 पर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। सरहंद जंक्शन पर ये पहुँचती है 3 बजे के करीब रात को और 3:01 पर वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। खन्ना में इसके पहुँचने का समय है 3:21 पर और 3:23 पर वहाँ से 2 मिनट के बाद ये ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। लुधियाना जंक्शन पर ये 4:07 पे आती है और 4:17 पर वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 326 किलोमीटर देहरादून से कवर कर लेती है यहाँ तक। उसके बाद ये फिलौर जंक्शन में पहुँचती है 4:31 पर रात को और 4:33 पर 2 मिनट के हॉल्ट के बाद चल पड़ती है। उसके बाद ये गोराया में पहुँचती है। गोराया में ये 4:45 पे आती है और 4:47 पर सुबह वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये फगवाड़ा जंक्शन पर पहुँचती है 5:11 पे और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 5:13 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये जलंधर छावनी में पहुँचती है 5:31 पे और 5:31 पे और 5:33 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये जलंधर सिटी में पहुँचती है। जलंधर सिटी में इसके पहुँचने का समय है 5:43 पर और 5:50 पर 7 मिनट के बाद वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये करतारपुर में पहुँचती है 6:03 पर सुबह और 6:05 पर वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ब्याज जंक्शन में पहुँचती है 6:20 पर 6:26 पर और 6:28 पर वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन जंडियाला में पहुँचती है 6:53 पर सुबह और 6:55 पर सुबह वहाँ से 2 मिनट के बाद चल पड़ती है। उसके बाद अपने डेस्टिनेशन स्टेशन 7:30 बजे
अमृतसर जंक्शन पहुंच जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर अपनी जर्नी समाप्त कर देती है। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें इस लाहौरी एक्सप्रेस की इन्फॉर्मेशन को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपनी फेवरेट ट्रेन का के लिए ट्रेन उस ट्रेन का ट्रेन नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।